आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मॉडर्न और मेडिकल साइंस इसके बारे में कुछ नहीं जानती। एक योगिक सेइंग है जिसमें बोलते हैं कि जिस इंसान ने अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लिया, 20-30% उसकी लाइफ और डेस्टिनी उसके हाथ में आ जाती है। जिसने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, 50-60% उसकी लाइफ और डेस्टिनी उसके हाथ में आ जाती है। और जिस इंसान ने अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल कर लिया, 100% उसकी लाइफ और डेस्टिनी उसके हाथ में आ जाती है। फिर जो वो चाहता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा, रामा, बुद्धा, ये नॉर्मल लोगों की तरह पैदा हुए थे, बट उन्होंने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया और वो लोगों के लिए भगवान बन गए। और आज के दिन लोग इन्हें आंख बंद करके पूछते हैं, फॉलो नहीं करते जो इन्होंने किया। लेट्स अंडरस्टैंड एनर्जी सर्किट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के प्राणिक सिस्टम में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इन 72,000 नाड़ियों में 114 जंक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं और वो सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट्स पे आके मिलती हैं, ऐसे ही 114 जंक्शन पॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें हम चक्रास बोलते हैं। चक्रास का मतलब है पहिया, व्हील। पर ये नाड़ी सर्कुलर फॉर्म में आके नहीं मिलती, बल्कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आके मिलती हैं। तो इन 114 में से 7 मेजर जंक्शन पॉइंट्स होते हैं। यही वो 7 चक्रास हैं जिनके बारे में हर कोई बात करता है। इनके नाम हैं मूलधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनहता, विशुद्धि, अग्ना एंड सहस्त्रारा। मूलधारा मतलब फाउंडेशन, नींव। ये एक ऐसा सेंटर है जो फिजिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे वाला पार्ट है, आपके जेनिटल्स के पास। अगर आपकी एनर्जीज आपके मूलधारा में सक्रिय हैं तो सोना और खाना, बस यही दो चीज़ें आपकी लाइफ की क्वालिटी होंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। इससे ऊपर अगर आपकी एनर्जीज स्वादिष्ठाना में डोमिनेंट हैं, जो जस्ट इससे ऊपर का सेंटर है, यहाँ पे जिसकी एनर्जीज हैं वो प्लेजर सीकर होगा। उसे स्वाद चाहिए होगा हर चीज़ में। प्लेजर सीकर का मतलब सिर्फ सेक्स से नहीं है, बल्कि हर चीज़ का मज़ा लेना चाहता है वो इस दुनिया में। प्लेजर किसी भी चीज़ से आ सकता है, जैसे गाने सुनने में, मूवी देखने में, खेलने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसकी एनर्जीज यहाँ होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसली जीता है ज़िंदगी को, बजाय उस इंसान के जिसे सिर्फ खाना और सोना चाहिए। तो ये चक्रास बस डिफरेंट इंटेंसिटी दर्शाते हैं हमारी लाइफ की। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, आपकी क्षमताएँ बढ़ती जाती हैं लाइफ की डिफरेंट डायमेंशन को समझने की। 95% लोगों की एनर्जीज इस सेंटर में ही सक्रिय हैं, तभी ये दुनिया आज के दिन ठरकियों से भरी हुई है। इससे ऊपर अगर आपकी एनर्जीज मणिपुरा चक्र में पहुंच जाती हैं तो आप कर्ता, ए डूअर बन जाते हैं। आप काम करना चाहते हो, फिर शायद आप बिजनेसमैन बन जाओ या पॉलिटिशियन बन जाओ या कुछ भी जिसमें बहुत सारे काम करने रिक्वायर्ड होते हैं। आपको काम करने में मज़ा आता है इस स्टेट में। नेक्स्ट इज लव सेंटर। अगर आपकी एनर्जीज अनहता में पहुंच जाती हैं तो आप क्रिएटिव इंसान बन जाते हो, क्योंकि ये क्रिएटिव सेंटर है। शायद आप चित्रकार बन जाएं, कवि बन जाएं, शायर या म्यूजिशियन बन जाएं। एटलीस्ट आपके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं। मे बी आप बॉलीवुड तक ना पहुंच पाओ, पर आप सिंपली खाने पीने, सोने और प्लेजर से ज़्यादा कुछ क्रिएट करने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है। आर्टिस्ट लोगों की लाइफ थोड़ी सिक्लूडेड सी होती है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, पर वो लाइफ को ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जीते हैं बजाय कि एक बिजनेसमैन के, क्योंकि लाइफ एनर्जीज हायर सेंटर पे पहुंच गई हैं। ये बीच का चक्र होता है जहां आपकी लोअर और हायर सेल्फ आके मिलती है। इससे नीचे के तीनों चक्र आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दर्शाते हैं। मूलधारा, स्वादिष्ठाना एंड मणिपुरा, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के सेंटर हैं। जो आपके अंदर एक लॉन्गिंग है फिजिकैलिटी से ऊपर उठने की, वो ऊपर के 3 चक्रोज में ही है, विशुद्धि, अग्ना और सहस्त्रारा। अनहता इज द मीटिंग पॉइंट, तभी इसको 2 ट्रायंगल्स के मीटिंग पॉइंट से भी दिखाया जाता है। तो अगर आपकी एनर्जी इस विशुद्धि चक्र में मूव कर रही हैं तो आप बहुत पावरफुल हो जाओगे हर सेंस में, क्योंकि ये पावर एंड कम्युनिकेशन सेंटर है। पावर का मतलब यहाँ फिजिकल पावर से बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बंदे के खड़े होने से लेकर चलने से लेकर बोलने तक में पावर का फर्क पता लगता है। ये उस पावर का जिक्र है। देन उससे ऊपर अगर आपकी एनर्जीज अग्ना चक्र में पहुंच जाती हैं, जिसे थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाती हैं। जो जैसा है आपको वैसा दिखेगा। इन दो आंखों से रियलिटी सही नहीं दिखाई देती। ये दो आंखें आपको वो दिखाती हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको थर्ड आई या मन की आंख भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल दो आंखों की तरह दिखाई देता हो और आपके माथे के बीच में से फटके एक तीसरी आंख निकल आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके मन की आंख है।
अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पहुँच गई तो आप बिल्कुल पीसफुल हो जाएंगे एंड यू विल हैव ग्रेटर क्लैरिटी इन लाइफ। फन फैक्ट, कृष्णा को बचपन में काना बोलते थे क्योंकि वो एक आंख से देखता था, वो अपनी तीसरी आंख से देखता था। बचपन में ही उसकी एनर्जीज इस सेंटर पे पहुंच गई थी, इसीलिए उसको काना बोलते थे क्योंकि वो सच में काना था और वो बाकियों से शाना था। उसके बाद अगर आपकी एनर्जी सहस्त्रारा में पहुंच जाती हैं तो आप बिना किसी वजह से आनंदित हो जाएंगे, ब्लिसफुल हो जाएंगे। जो यहाँ पहुँच गया उसकी एनर्जीज 100% उसके कंट्रोल में आ गई हैं, उसकी लाइफ भी फिर उसके 100% उसके कंट्रोल में आ जाती है। मूलधारा से लेकर अग्ना तक पहुंचने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके हैं और अग्ना से सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। आपने एक चीज़ नोट की क्या, ये सारे चक्रास एक कलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो है विबग्योर। तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। सिमिलरली इन चक्रास के कलर भी यही हैं। सबसे ऊपर वाला चक्रा वॉयलेट कलर का है और सबसे नीचे वाला चक्रा रेड कलर का है। इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है, आपने सुना होगा हमारे जितने भी गॉड्स होते थे उनको ब्लू कलर से दिखाया जाता था, बोला जाता था कृष्णा कलर ब्लू है, रामा कलर ब्लू था। तो बेसिकली उनका कलर चाहे ब्लू हो ना हो, उनकी एनर्जीज सबसे ऊपर वाले चक्रास के अंदर थी, दैट्स वाई उन्हें बोला जाता था कि वो नीले हैं। सिमिलरली शैतान का कलर लाल होता है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। योगा करने से एक एक करके ये चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए एक योगी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो बी ए योगी। थैंक यू।